प्रॉपर्टी दिलाने और खरीदने के नाम पर ठगी करने वाले पिता पुत्र की जोड़ी को उत्तरी जिला स्पेशल स्टाफ पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया है। पिता पुत्र पहचान बदलकर यहां की पॉश एनआरआई सिटी पुष्पांजलि नंगली कला में रह रहे थे। आरोपियों की पहचान नंगला बाढ़ गढ़मुक्तेश्वर यूपी निवासी धीरज उम्र 41 वर्ष और शिव कुमार उम्र 63 वर्ष के रूप में हुई है। धीरज धोखाधड़ी के 15 मामलों और शिव कुमार 7 मामलों में शामिल रहा है। अदालत ने दोनों को भगोड़ा घोषित किया हुआ था। धीरज की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उत्तरी जिला पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त एंड्रो अल्फोंस ने बताया कि उनकी टीम लगातार भगोड़ों को पकड़ने के लिए भी प्रयास करती रहती है। इसी कड़ी में स्पेशल स्टाफ में तैनात हवलदार पुनीत मलिक को सूचना मिली थी। बुराड़ी समेत कई जगह प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी अपनी पहचान बदलकर आगरा में रह रहा है। सूचना मिलने के बाद पुनीत ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। फॉरेन इंस्पेक्टर संजीव कुमार व अन्य की टीम का गठन किया गया। टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पुलिस की टीम ने आरोपी धीरज के साथ उसके पिता शिव कुमार को भी शमशाबाद रोड एकता पुलिस पोस्ट आगरा से दबोच लिया। जांच के दौरान धीरज ने अपना नाम देवेंद्र बताकर पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास किया। उसने कुछ कागजात भी दिखाए जिनके आधार पर वो खुद को देवेंद्र बताने लगा। सख्ती से पूछताछ पर वो टूट गया। पूछताछ के दौरान शिव कुमार ने बताया कि वो गुड़मुक्तेश्वर यूपी के रहने वाले हैं। काफी समय पूर्व वो अपने रिश्तेदार के यहाँ बुराड़ी दिल्ली आकर रहने लगे थे। यहाँ पिता पुत्र ने प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम शुरू कर दिया। दोनों ने बुराड़ी स्वरूप नगर में जमकर ठगी की। धीरज के खिलाफ 15 और शिव कुमार के खिलाफ 7 केस दर्ज हुआ। धीरज को 3 मामलों और शिव कुमार को 1 मामले में अदालत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ था। परिवार दिल्ली छोड़कर 2015 में आगरा भाग आया। यहां ठगी की रकम से आगरा की पॉश एनआरआई सिटी में मकान लेकर पूरा परिवार यहीं रहने लगा। ठगी की रकम से आगरा में खरीदा मकान। धीरज ने अपना नाम देवेंद्र रखकर कुछ पहचान के कागजात भी यहां से बनवा लिए। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।